हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फन विद अस्तर में। आज हम बात करेंगे होम थिएटर के साथ बड़े स्पीकर की कि वो चलेगा या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कितना बड़ा स्पीकर आप होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप कैसा स्पीकर उसके साथ बजा सकते हो या वो कितने इंच का होना चाहिए। तो पहले आप देख लीजिए उस स्पीकर का साइज कितना है और वो कितने ओम का या कितने प्रतिरोध जो भी है, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद मैं इस वीडियो के आगे एक पार्ट जोड़ूंगा जिसमें मैं आपको चला के दिखाऊंगा ये बड़ा स्पीकर कितने देर चल सकता है या कैसे चल सकता है। उसमें मैंने लगभग 13-14 मिनट तक यूज़ किया है, आप देख सकते हो, गौर से देख लेना। कि आपको अगर डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा स्पीकर आप प्रॉपर तरीके से किस तरह उसमें ऐड करोगे तो आपका होम थिएटर भी चलेगा नहीं और अच्छी क्वालिटी की आपको आवाज़ भी मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ फन विदेश पर। तो दोस्तों देख सकते हो आप ये स्पीकर है, ठीक है, ये लगभग 10 इंच का स्पीकर है। इसके साथ मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा होम थिएटर को और इसके अंदर जो स्पीकर लगा है वो बिल्कुल यही है, क्योंकि ये पहले ख़राब हो गया था, मैंने निकाल के दूसरा इसमें डाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हो 300 वाट मैक्सिमम है, 4 ओम 40 वाट मिनिमम है, मतलब इतने वाट और इतने ओम का ये स्पीकर है। इसके साथ हम होम थिएटर को कनेक्ट करेंगे। वैसे आप इसकी इंचेस देखना चाहते हो तो आपको मैं इसको नाप के भी कर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लगभग 10 इंच इंटरमीडिएट साइज में आ रहा है, यानी अंदर की साइज इसका लगभग 10 इंच आ रहा है और उसका भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए बीच से बिल्कुल 10 इंच आ रहा है इसका भी, मतलब दोनों स्पीकर एक साइज के हैं और लगभग एक ही ओम के हैं, क्योंकि दोनों का साइज एक है तो एक जैसे ही होते हैं ये, ठीक है। तो आगे की वीडियो आप देखना चाहते हो देख सकते हो, वैसे स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। ये 14-15 मिनट की हो चुकी है, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार आप अपने होम थिएटर के साथ बड़ा स्पीकर ऐड करोगे।
Thank you.
बिना मुंह नहीं लोदी कदे मैं तो कोके खांदी रही सी जिया सतन भी हुंदी सी कमीज तेरे पाई नाल री बना के पुंदिया सी हिंदिया हुण की जे सबे बिना मुंह नहीं लोदी कदे मैं तो कोके खांदी रही सी जिया सतहार कंदी हु बोटी बन के रहना कर तुम जट्टी एनियों दे गटनियों ना कर बंब जट्टी एनियों दे मित्रां नू दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी शायद आपको अब तक समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कि बड़ा स्पीकर आप कैसे अच्छे तरह 100% उस पर लगा पाओगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो स्पीकर है बड़े वाला उसको रिवाइंड करवाना है। उसको रिवाइंड कैसे करवाना है मैं बता देता हूँ आपको। आपको स्पीकर को लेना है किसी शॉप पर जो रिपेयर करते हैं स्पीकर को, उनके पास जाना है और जो होम थिएटर के साथ छोटे स्पीकर कनेक्ट होते हैं उसी के ओम उसी के वाट और उसी के हिसाब से उस स्पीकर को रिवाइंड करवा लेना है। मतलब जितनी आईसी सपोर्ट करती है वाट और ओम को उसी के अनुसार आपको बड़े स्पीकर को रिवाइंड करना है। तो स्पीकर का साइज कितना ही बड़ा हो उसकी ओम और वाट के हिसाब से ही आईसी उसको एडजस्ट करती है, उसके हिसाब से चला सकती है। अगर आप ज़्यादा वाट या ज़्यादा ओम का स्पीकर लगाओगे तो आपकी आईसी जलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप नॉर्मल जो छोटे स्पीकर है उसके वाट और उसके ओम के स्पीकर को बनवा के फिर बजाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज़ कर सकते हो। वैसे आप जानना चाहते हो कितने ओम या कितने वाट का स्पीकर लगाना चाहिए तो ये आप फोटो देख सकते हो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना वाट और कितना ओम ये TD-2030 आईसी है वो लेती है और कैसे वो ऑपरेट करती है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।